फाइनली जिनको लेने हम आए थे, पलक जी को यहाँ पर हम लेने आ चुके हैं। सुबह सुबह नाश्ता खा रहे विद पोहा। वाओ भाई, ये खुला है? बंद है। अरे सर ऐसा मत, कुछ पीने को तब तक एग्जैक्टली गेस करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कमेंट डाउन बिलो। पर मैं फुल गिरा गिरा के खा रहा था, तो मैंने बोला शिट पलक साइड में है, अभी मेरे को ना बेइज्जत वाली फील आ रही है, तो मैं भी मतलब ऐसा देखता हूँ करके। यहाँ देखो, What's up guys, welcome back to the channel and in another vlog. So, ये vlog की शुरुआत हो रही है 4:30 बजे भाई, literally 4:30, इसीलिए because हम जो है पुणे नहीं जा रहे, 3 घंटे का रास्ता है, बट वो नहीं जा रहे because हम बीच तक जा रहे, because हमारी जो फ्रेंड है वो आ रही है और वो ऑब्वियसली अकेले आ रही है, तो फिर ये हमारा इतना मतलब फर्ज बनता है कि हम उनको लेने जाए, बिकॉज 3 घंटे वो अकेले ट्रेवल कर रही है, तो इसलिए सेफ भी नहीं है, तो ऊपर से फिर हमने बोला चलो ठीक है लेने चलते, क्योंकि उनका प्लान था दैट मुंबई आने का। सो भाई नींद तो मतलब ऑब्वियसली इतने टाइम में नींद तो आ ही जाती है, तो उससे बचने के लिए जोई को भी गाड़ी चलानी है भाई, तो उसके चक्कर में फिर हमने बोला कि थोड़ा साइड में रोकते हैं। एंड यहाँ पर जो है हमारा स्टारबक्स से भी बेस्ट जो है बूस्ट अभी हम पी रहे, बूस्ट एंड कॉफी मिक्स। वही मैं बोला, रोक ही रहे थे आप। रोक वो देखो आए हाँ। भाई थोड़ा आगे लगा लो गाड़ी, मैंने बोला रो मत भाई, भगवान ने इतनी सुंदर स्माइल दी है, वो दो लगा दो, गिलास गरम है बहुत ज्यादा, तभी पैसे दूंगा जब तक हंसोगे नहीं। हंसो, आए हाय सुंदर स्माइल। चीयर्स तो होना चाहिए, तो 3-4 सिप मार ले, बट कोई नहीं, टेस्टी। शुक्र ब्रो, यहाँ पर मैकडी स्टारबक्स है। नींद आने जैसा हो गया भाई, दोनों की ट्रिप में ऐसा हो गया था, शिट कभी मैं हाई ले रहा हूँ फिर ये हाई ले रहे और इनके चक्कर में मेरे मतलब एक्चुअल में है, ये साइंटिफिक है कि अगर तुम किसी के सामने यॉन करते हो तो उसको भी यॉन। हाँ, ये तो मुझे बताया था। तो यहाँ पर सिर्फ अभी मैकडी खुला हुआ है, बट मैकडी खुला है कि नहीं क्योंकि स्टारबक्स सब बंद हो चुका है भाई साहब, बट यहाँ पर तो कोई काम करने वाला है भी नहीं, किसको पूछे, घंटी भी नहीं है। एक्सक्यूज मी भाई, ये खुला है? बंद है। अरे सर ऐसा मत, कुछ पीने को होगा थोड़ा बना दो भाई यार, बहुत कसम से नींद से उड़ने, आप चाहते हो हमारी एक्सीडेंट हो जाए, कर दो ना भाई प्लीज। नहीं ना, मैनेजर चिल्लाएगा नाम के यार। भाई यार ये तो बोल रहे बंद है यार, सब बंद है क्या यार, ऐसे मत करो। कॉफी तो बनता होगा यार, कुछ तो बनता होगा भाई, 6:30 बजे चालू हो जाता, मैनेजर आता बड़ा तो चालू कर देता है। तो एक बार मैनेजर को पूछो ना, आएगा वो आएंगा, जब वो आएंगा तभी पी पाएंगा गाइस। बस घूम फिरा के हम आ गए चाय में, बट चाय का अलग ही टेस्ट है, चाय नहीं पियेंगे अभी, कॉफी पियेंगे ताकि हमारी जो है गाड़ी ना ठुके भाई, मतलब कुछ खाया नहीं है सिर्फ पिए जा रहे हैं भाई। पहुंच गई है, पहुंच गई, पहुंच गई, पहुंच गई। सो गाइज फाइनली जिनको लेने हम आए थे, पलक जी को यहाँ पर हम लेने आ चुके हैं। सुबह सुबह नाश्ता खा रहे विद पोहा। वाओ, मतलब पोहा तो मतलब फेवरेट है मेरा, तो यहाँ पर पोहा की जगह ये लॉलीपॉप चूस रहे हैं। यहाँ पर क्या इतना इतना क्या दर्दनाक स्टोरी हो गई कि भाई आपको लॉलीपॉप खानी पड़ रही है? तो क्या किया हमने, क्या किया भाई साहब, लिटरली ये उतरी थी मैडम इस साइड को और हम थे उस साइड को, तो हम ऐसे तो पार नहीं कर सकते क्योंकि बीच में तो था अपना पिलर वगैरह। पिलर नहीं होता, डिवाइडर होता है भाई, डिवाइडर, मैं डिवाइडर को पिलर कहता हूँ। तो फिर उसके लिए ना हम गए, तो एक तो अंधेरा हो रखा था, अभी जितना उजाला हुआ ना उतना उजाला भी नहीं था, अंधेरा हो रखा था, तो उसकी वजह से ना वो डिवाइडर दिख भी नहीं रहा था। तो वो डिवाइडर जब दिखा नहीं तो हमसे क्या ना वो एक कट छूट गया, कट भी नहीं था वो, बस टूटा हुआ सा था, टूटा हुआ था एग्जैक्टली, तो वो ना वैसा टूटा हुआ, तो हमें वहां पर लेना था, बट फिर हम थोड़ा उससे कितने आगे गए थे हम उससे, 15 मीटर आगे गए थे मैंने शेट। तो इन्होंने बोला कि कोई नहीं मैं पीछे लूंगी, पीछे जैसे ही शीशे से देखा कि गाड़ी की तेज तेज आ रही थी, तो मैंने नहीं भाई आगे गए 2 किलोमीटर। आपने बोला, आपने बोला, मैं तो फिर उसके बाद मैंने साथ दिया कि नहीं आपका, कि मैंने बोला नहीं नहीं भाई गाड़ी इंपॉर्टेंट है आगे ले लो। तो फिर 2 किलोमीटर आगे गए, फिर उसके बाद यू टर्न लिया, फिर देन ये मैडम के पास हम पहुंचे। पोहा जो है वो खा रहा था और यहाँ पर ना फुल गिरा गिरा के खा रहा था, तो मैंने बोला शिट पलक साइड में है, अभी मेरे को ना बेइज्जत वाली फील आ रही है, तो मैं भी मतलब ऐसा देखता हूँ करके। यहाँ देखो खुद ने कैसे गिराया हुआ है, खतरनाक तरीके से, ऐसा लग रहा है 10 साल की बच्ची को दे दिया पोहा खाने को, गिरा दिया पूरा। बहुत छोटी कटोरी, बहुत छोटी कटोरी, छोटा सा कटोरा और इतना बड़ा पहाड़ का वो पोहा, और जो ही मेरे को देख रहे ताकि ये बोल रहे कि थोड़ा जल्दी खा ले मन ही मन में, बिकॉज ट्रैफिक ना मिले करके। बट यहाँ से जो सनराइज दिख रहा है ना इतना सुंदर लग रहा है, आय हाय हाय हाय, ये तो फुल इंजॉय करके जाऊंगा मैं, आराम से चलाना है आपको, ठीक है? ओके जी सर। थैंक यू ड्राइवर, सॉरी थैंक यू जो ही। तो गाइस मुंबई पहुंच चुके थे हम, एंड फिर घर जाते ही जोई के घर पे सो गए थे भाई पूरा, मतलब लिटरली रात की पूरी नींद जो है हमारी छीन ली गई थी, बिकॉज हमें ये मैडम को उठाने लेके जाना था, तो फिर उठाने का ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि मतलब किडनैपर है जोई, तो भाई लिटरली मैं तो 3 घंटे सोया, जोई तो भाई लिटरली लड़ी है मुझसे। आज इनका शूट भी था, इन्होंने शूट भी किया और इन्होंने मेरे को देखा कि तू कैसा दोस्त है यार सो गया करके, फिर उसमें थोड़ी हमारी बहस हुई, फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं मैं घुमा के लेके आता हूँ, तो फिर घुमा के लेके आता है घुमा के सही में यार। तो चील के लिए हमने यहाँ पर देखो पान मंगाया भाई, पान मंगाया फुल, इसका ये खोलना तो जरा, इनको खिलाना है मेरे को, क्योंकि आज इतनी खतरनाक जो लड़ाई हुई है ना हमारी, मारना क्या मुंह में दो
मुंह में छी यार, मेरा फैमिली ब्लॉग चैनल है ये, गंदी बातें नहीं करते। खुश हो जाओ आज, आज जो लड़े हो ना लो गुस्सा और मरो। आगे देखो टोकोगे क्या? पान खाने के बाद मुंह बड़ा अजीब अजीब गरीब बन जाता है। दिखाना सबका मुंह, दिखाना आपका मुंह, दिखाओ ये देखो भाई आपका मुंह दिखाओ, आपका मुंह दिखाओ। आए भाई कितना मोटा मुंह फूल जाता है भाई, तीनों का मुंह फूल गया। अनदर डे सेम व्लॉग। सो कल का दिन जो था वो बहुत ज्यादा थका भरा था, एंड आप लोगों को भी पता है क्यों थका भरा था। तो फिर वही है कि पूरा दिन जो है वो सोने में गए, क्योंकि हालत बिल्कुल भी नहीं थी व्लॉग करने की। तो फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं कल कर लेंगे। एंड बाकी इसके चक्कर में जो हमारा कंसिस्टेंसी है व्लॉग के द्वारा वो बहुत ही ज्यादा, मतलब लाइक बहुत ही तो नहीं, मतलब थोड़े बहुत कम हो गए। एंड मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स है कि वो बोल रहे कि आकाश आई नो डेली व्लॉगिंग करना मतलब ऐसा इजी काम नहीं है, हार्ड काम है, तो आप थोड़ा सा आराम आराम से भी करो। तो बट मेरा भी ऐसा है कि मैं कर तो रहा हूँ आराम से, थोड़ा रेस्ट अभी मैंने ले लिया, अभी यहाँ से कंटिन्यू जो है हमारा डेली ब्लॉग वापस से कंटिन्यू होगा। बीच के थोड़े एक दो दिन थोड़े से हो गए थे फंबल, बट इसके बाद से भाई वापस से, मतलब क्योंकि मेरी ऑडियंस के लिए मेरे को जितना मतलब मेहनत करना पड़े मैं करूंगा फॉर श्योर। अभी निकलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि रेडी वेडी हो चुका हूं मैं। ये जो सामने एक व्हाइट कलर की लड़की और ग्रीन कलर का लड़का है भाई, कैसे चला रहे यार, कब से मैं देख रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं, बट यार ये कितना खतरनाक चलाता है यार बंदा भाई। फुल लड़की पीछे टेढ़ी मेढ़ी हो रही है और ये चलाया जा रहा है, इतना खतरनाक। अभी देखना ये कैसी ड्राइविंग, इसकी ड्राइविंग देखना अभी। तो गाइज हमारा प्लान था दैट आज संडे है, हम क्लब जाते हैं जोई एंड पलक, देन उसके बाद फिर वही हो गया कि जब होता है ना कि क्लब जाने का भी टाइमिंग रहता है, जैसे 11 बजे चले गए, टाइम हो रहा है 9:39, तो फिर वैसा ना उसके पहले बैठ जाते हैं हम ऐसा। तो फिर वही लवेल नाटे आके बैठ गए और इतनी ज्यादा भूख लगी थी, तो हमने ना ये कितना पलक और मैंने खत्म किया ये पूरा पास्ता, इतना तेज की भूख लग रहा था। अभी नाउ इट्स लाइक डन, अभी निकलते हैं, देन थोड़ा और टाइम हो जाए फिर देन उसके बाद निकलते हैं सीधा जाएंगे क्लब। कितने टाइम से क्लब भी नहीं गए और ऊपर से इंटरनेशनल ट्रिप जो मैं आपकी बात भी कर रहा था वो भी होने वाला है, तो उसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊंगा दैट कि हम कहाँ जाने वाले हैं। उसमें बहुत सारे लोग भी हैं तो वो भी मतलब गेस करो कहाँ जा रहे हैं, तब तक एग्जैक्टली गेस करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, कमेंट डाउन बिलो। सो हमारा प्लान था कि दैट हम जाएंगे क्लब। भाई क्लब पहुंचे, इतना ठंडा, इतना ठंडा, पहली बार कोई क्लब मेरे को ठंडा दिखा होगा, गिने चुने चार लोग। तो फिर मैंने बोला कि चलो भाई आज का प्लान जो है ये कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ मजा नहीं आया भाई। अभी जा रहे हैं घर क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, तो फिर उससे पहले स्टारबक्स जाएंगे बिकॉज मैंने कुछ नहीं खाया है। बंद ऐसा लग रहा है, क्या हो गया भाई, बंदी लग रहा है मेरे को तो यार, दरवाजा वरवाजा बंद कर दिया है, कोई काम कर रहा है कि नहीं अंदर, मेरे को नहीं लगता। दरवाजा तो मुंह के सामने बंद किया उन्होंने, खुला है, किसने बोला खुला है बे? यार ये क्या चोरी की तरह जा रहा हूँ बिल्कुल, ये कोई अंदर काम कर रहा है क्या? बंद है कि खुला है? बंद है ना, कौन मेरे को ये बता दो कौन था वो बंदा जिसने बोला खुला है? काका जी आपने बोला क्या खुला है? आपने बोला खुला है? नहीं अच्छा जाना नहीं, सॉरी कोई नहीं कोई नहीं, सॉरी सॉरी उसको बोल दिया जिसने बोला भी नहीं। बंद है यार, किसने बोला ये खुला है? ये भाई गोप्रो है, इसे मतलब YouTube वीडियो आता है, मेरे को सब्सक्राइब मारियो भाई प्लीज, है कि नहीं? आकाश थापा करके सर्च करना और मारना मेरे को सब्सक्राइब, ठीक है? तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, फिर वही पार्किंग, पार्किंग का प्रॉब्लम आ चुका है। यहाँ पर देखो ऑटो वाले भैया जो है अपनी ऑटो पीछे कर रहे हैं कार पार्क करने के लिए, करो करो पीछे दम लगाओ, दम लगाओ। पलक जी बोलते हैं कि मैं हेल्प करूं करके, कुछ जान होना चाहिए। जाती हूं मैं बकवास ना करूं, जिम जिम जाते हैं। चलो रेडी 3 2 1 पीछे नहीं, आगे साले। अच्छा आगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबको लग रहा होगा कि हम ऑटो चोरी कर रहे हैं, मैं बैठ रहा था, छोड़ दोगे कितने लोग बस जो ही आप, बहुत देखो कितना स्पेस कर दिया हमने, है कि नहीं? प्रो ड्राइवर्स, प्रो ड्राइवर्स घर पे आ चुके हैं। एंड भैया आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, होप करता हूं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो आपको पता क्या करने का, लाइक शेयर एंड पता है आप लोग को कर दो प्लीज कर दो, और क्या।